ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पूरी तरह से कोरोना संक्रमण की जद में आ चुके प्रदेश के लोगों को महामारी के प्रकोप में हर संभव सहायता दिलाने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और उनकी टीम ने पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है। हर जरूरतमंद आसानी से अपनी समस्या इस टीम तक पहुंचा सके, इसके लिए सचिन पायलट की ओर से पायलट विद पब्लिक नाम से नया ट्विटर हैंडल शुरू किया गया है। इसके जरिए पूरे प्रदेश भर के लोगों की मदद की जा रही है। आपको बता दें, जयपुर सहित प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों और जिला स्तर पर सचिन पायलट के समर्थकों की टीम बनाई गई है, ताकि किसी भी क्षेत्र के लोगों को तत्काल मदद दी जा सके। यानी प्रदेश में कोरोना काल के दौरान जीवन रक्षक दवाइयों, ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की समस्याओं का निस्तारण का काम पायलट की टीम ने युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। प्रदेश की गहलोत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के समानांतर @PilotWithPeople नाम से बने ट्विटर हैंडल के जरिए सचिन पायलट प्रदेश के सभी जिलों में जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाइयाँ, भोजन और अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराने जैसे काम कर रहे हैं। पायलट के नए ट्विटर हैंडल के जरिए दिन में तकरीबन 300-400 समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। इस व्यवस्था को देख रहे कांग्रेस नेता महेश शर्मा ने कहा कि संभाग व जिला स्तर पर काम करते हुए लोगों को अस्पताल में बिस्तर, ऑक्सीजन व भोजन आदि दिलाने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर व अन्य जरूरी सामान का अनावश्यक रूप से संग्रह नहीं करने को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे जरूरतमंद लोगों के काम आ सके। शर्मा ने बताया कि 15 डॉक्टरों की एक टीम अलग अलग पालियों में सुबह 8 से रात 12 बजे तक लोगों को परामर्श भी देती है। आपको बता दें, इस ट्विटर हैंडल पर लोगों की समस्याओं से संबंधित पोस्ट ही की जा रही है। जैसे ही कोई अपनी समस्याओं को लेकर ट्विटर पर गुहार करता है, तो सचिन पायलट और उसके समर्थक तुरंत उस शिकायत को फॉलो करते हुए उसके निस्तारण के प्रयास में जुट जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट स्वयं ही इस पूरे ट्विटर हैंडल की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा सभी जिलों में भी ट्विटर हैंडल की निगरानी का काम अलग अलग नेताओं को दिया गया है, जो जिले के लिहाज से उन शिकायतों का निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं। सचिन पायलट के नए ट्विटर हैंडल पर दो ही दिन में 12,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। वहीं नए ट्विटर हैंडल पर सचिन पायलट स्वयं भी 21 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, राज्य सीएमओ और सीएमओ हेल्प डेस्क भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट कैंप ने लोगों को फोन पर ही चिकित्सकीय सलाह देने के लिए 24 घंटे का डॉक्टर हेल्प डेस्क भी शुरू किया है। इसके जरिए लोग कभी भी फोन करके चिकित्सकीय परामर्श ले सकते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।